प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जय मसीह की। हम सब एक शब्द से वाकिफ हैं और वो है चिंता। चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी न कभी जिंदगी में हम किसी न किसी चिंता से घिर जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो आजकल उनको अपने एग्जाम की चिंता है, जवान हैं तो उनको अपने फ्यूचर की, नौकरी की, किस से शादी करेंगे, क्या करेंगे, भविष्य में क्या नौकरी करना है, इन सब बातों की चिंता है। और यदि कोई परिवार वाला व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो चिंताओं से घिरा रहता है। और चिंताओं का आना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो कभी ना कभी जीवन में हम इन चिंताओं का सामना करेंगे। बाइबल के बड़े से बड़े जो जायंट्स रहे हैं, बड़े से बड़े प्रभु के दास रहे हैं, उनके जीवन में भी चिंताएं आई, परंतु उनके जीवन से मुझे और आपको ये सीखने को मिलता है कि वो चिंता लेकर के उन्हीं बातों पर सोचते ना रहे, परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उन्होंने चिंताओं को अपने जीवन से झटकना सीखा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसकी 25वीं आयत में यीशु मसीह अपने चेलों को इस विषय पर कुछ बहुत ही अच्छी बातें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन सब बातों की तुम चिंता न करना। फिर वो बोलता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं और ना ही खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी हमारा जो स्वर्ग पिता है उनको खिलाता है। क्या मैं और आप उनसे अधिक मूल्य न रखते? आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी और मेरी वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत है, इसलिए हम चिंता न करें। वी आर वैल्यूएबल इन हिज साइट। आगे वो कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है। चिंता करने के द्वारा हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते और कुछ भी घटा नहीं सकते। और 31वीं आयत में वो कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वो कहता है कि तुम मत कहना। चिंता जो मन में है उसको बार बार बोल करके मत बोलना। इंस्टेड जब कभी भी हम अपने दिन की शुरुआत करें तो परमेश्वर की प्रॉमिसेस को ध्यान में रखते, अपने भरोसे को परमेश्वर पर रख करके हम उसकी वायदों को अंगीकार करें। मेरे प्रियो, उसका हर वायदा सच्चा है, उसका हर वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। जो उसने वादा किया है उसे वो पूरा करेगा। पहला पत्रस उसके 5:7 में लिखा है, अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो